Hello students, now let's have one more example on the topic of change the order of integration. Okay, we have gone through one important question in the last lecture. Okay, so now this is another problem on change the order of integration. Hum do teen problems pe karenge so that you will have a clear cut idea about the changing the order of integration. So as the question specifies, it is twice in, double integral xy dx dy, one limit is variable and one limit is constant. So I'm just, so starting with the question solution part, the given question is, this is the question, the one of the limit is variable, so that is in the terms of, it is 0 and it is a square minus y square ka square root. So ye kiski terms mein hai, y ki terms mein, so ultimately ye kiski hogi, x ki hogi. So maine bataya tha yahan do hi variable hai, to agar ek y ki terms mein hai, to x x की होगी और x की टर्म्स में होगी तो y की होगी. तो ये y की टर्म्स में है तो that must be of x. ऑटोमेटिकली ये x की होगी तो ऑटोमेटिकली ये दूसरी जो लिमिट होगी that will belong to y. तो अब हम ये तो आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि कौन सी किसकी लिमिट है. उसके बाद हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन जिसने दे रखा है उसने स्ट्रिप कौन सी यूज की है. तो लिमिट वेरिएबल किसकी रखी है उसने, लिमिट वेरिएबल किसकी रखी है, दैट इज ऑफ x. मतलब उसने कौन सी स्ट्रिप लगाई है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. आपको पता है लिमिट्स ऑफ x किससे मिलती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से. तो उसने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाई है. तो हमको कुछ नहीं करना, इस एरिया को दोबारा ट्रेस करना है, उसमें वर्टिकल स्ट्रिप लगा के दोबारा लिमिट्स निकाल के आइडेंटिफाई करना है. तो दैट इज द मेन क्वेश्चन. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. ओके, नाउ लिमिट्स ऑफ x आर x इज इक्वल टू 0 टू x is equal to root a square minus y square. अब मुझे यहां से नहीं पता लग रहा है, as such x is equal to 0 is fine. मुझे पता है x is equal to 0 क्या होती है, y axis. ठीक है, x is equal to root a square minus y square, ये मुझे नहीं पता लग रहा है किसकी इक्वेशन है. तो थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा. जनरली जो भी इक्वेशन आपके पास आएगी उसमें आपकी फ्रैक्शनल पावर जैसे यहां 1/2 है इसके ऊपर, वो नहीं होनी चाहिए. तो आई एम स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका x square is equal to a square minus y square. ठीक है, आई हैव जस्ट स्क्वेयर्ड ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. ओके, तो उसके बाद भी अब भी पता नहीं लग रहा, थोड़ा वेरिएबल्स को मैं थोड़ा रीएडजस्ट करता हूं. तो इट इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर. यस, नाउ इट इज ग्रेट. हमें पता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट सिंप्लीफाइड दैट, क्योंकि यहां इसको देखने से पता नहीं लग रहा कि ये किसकी इक्वेशन है. तो कई बार हमारे पास जो इक्वेशन आएंगी उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई रीएडजस्ट करना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट इक्वेशन व्हाट इट इज. तो फ्रैक्शनल पावर खत्म कर दीजिए, जो भी वेरिएबल्स हैं उनको आप साथ लिख सकते हैं, वो देख सकते हैं, प्रैक्टिस से आपको पता लग जाएगा कि कैसे उनको एडजस्ट करना है. नाउ लिमिट्स ऑफ वाई आर वाई इज इक्वल टू 0 टू वाई इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू 0 टू वाई इज इक्वल टू ए. नाउ तो दिस इज एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज ए लाइन एंड दैट इज वाई एक्सिस, और दिस इज ए सर्कल. तो मुझे इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, वाई एक्सिस तो हम ड्रॉ करते ही हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम बात करेंगे. तो नाउ तो मैंने क्या बताया था, पहले आपने लिमिट्स आइडेंटिफाई करनी है किसकी है, फिर कर्व्स आइडेंटिफाई करनी है, फिर उनको ट्रेस करना है. नाउ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर रिप्रेजेंट्स ए सर्कल. अब आपको पता सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. जो h और k हैं वो आपके सेंटर होते हैं, और जो आपकी r है दैट इज योर रेडियस. तो सिमिलरली यहां तो x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. तो सेंटर कितना बना आपका, जीरो जीरो, ये h और k यहां से मिले. और रेडियस कितनी मिली आपको, यहां आर स्क्वेयर था तो आर थी रेडियस, तो ए स्क्वेयर है तो ए होगी रेडियस. तो सिंपल, सेंटर मुझे मिल गया जीरो जीरो और रेडियस मुझे मिल गई ए. तो आई विल प्लॉट द कर्व नाउ. मैं पॉइंट ऑफ सेक्शन क्यों नहीं निकाल रहा यहां पे, क्योंकि मेरे पास पूरे क्वेश्चन में एक ही कर्व है, ये वाई एक्सिस है, ये प्लॉट हो ही जाएगी, ये सर्कल है. तो अब फिलहाल कोई जरूरत नहीं है,
वी विल सी चेक द लेटर लेटर एट द लेटर स्टेजेस की कोई जरूरत पड़ेगी कि नहीं इसकी। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं ऑफ रेडियस ए, दैट इज ए जीरो, ये जीरो जीरो सेंटर है उसका, जीरो ए माइनस ए जीरो और जीरो माइनस ए, तो दैट्स हाउ द सर्कल विल बी ड्रॉन। ओके फाइन, तो एक कर्व थी वो मैं ट्रेस कर चुका हूं। अब मुझे देखना है, पहले कर्व आइडेंटिफाई हो चुके हैं, कर्व ट्रेस हो चुके हैं, अब मुझे देखना है कि किस रीजन को देख के उसने स्ट्रिप लगाई थी। अब मुझे पता है उसने स्ट्रिप लगा रखी है हॉरिजॉन्टल, स्ट्रिप लगा रखी है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप तो कई जगह लग सकती है, यहाँ पे आपके हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यहां भी लग सकती है, यहां भी लग सकती है, यहां भी लग सकती है और यहां भी लग सकती है, कहीं भी लग सकती है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि उसने कहां किस एरिया को देख के एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाई थी। जो उसकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है वो लेफ्ट हैंड पे, आपको पता है लेफ्ट और राइट होता है उसमें, ये लेफ्ट हैंड के कोऑर्डिनेट है और ये राइट हैंड के, जो लेफ्ट हैंड है वो आपका वाई एक्सिस है और राइट हैंड जो है आपका सर्कल है। तो लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड पे जो मेरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है वो टच कर रही है वाई एक्सिस को और ये राइट हैंड पे टच कर रही है सर्कल को। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये लेफ्ट हैंड पे टच कर रही है आपकी वाई एक्सिस को, राइट हैंड पे टच कर रही है सर्कल को, ये भी ऐसे ही है, बट इसमें देखिए इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड पे ये टच कर रही है सर्कल को और राइट पे लाइन को, तो ये उल्ट गलत है। तो मैटर करता है लेफ्ट टू राइट पढ़ना, हमेशा मैटर करता है, तो ध्यान रखिएगा इट इज ऑलवेज फिक्स्ड कि लेफ्ट टू राइट आपने पढ़ना है। तो लेफ्ट में आपका क्या है वाई एक्सिस और राइट में क्या है सर्कल, तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली कौन सा ऑप्शन है, वो अभी हम देखेंगे। तो चलो ये तो पता लगेगा कि आइदर दिस स्ट्रिप विल वर्क और आइदर दिस स्ट्रिप विल वर्क। तो नाउ अब मुझे किस एरिया को आइडेंटिफाई करना है एग्जैक्टली, वो बताएगी दूसरी स्ट्रिप, सॉरी दूसरी लिमिट्स। अब जो वाई की लिमिट है, अब आपको इस स्ट्रिप को, जो भी ये स्ट्रिप है दोनों में से एक कोई ना कोई होगी या दोनों भी हो सकती है, उस स्ट्रिप को आपने कहां से कहां तक टर्न करना है, स्वाइप करना है वाई इज इक्वल टू जीरो। वाई इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, यह है आपका बॉटम और यह है आपका टॉप, बॉटम पे वो एक्स एक्सिस को टच करेगी, आपको पता है वाई इज इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस है और वाई इज इक्वल टू ए इज ए लाइन या पॉइंट बोल सकते हैं फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए आप। तो आप ध्यान से अगर देखें तो वाई इज इक्वल टू जीरो इज ए एक्स एक्सिस, तो बॉटम एंड पे मेरी जो स्ट्रिप है, जो भी स्ट्रिप है चाहे वो ये होगी या ये होगी, वो बॉटम एंड पे टच कर रही है आपके एक्स एक्सिस को और अपर एंड पे टच कर रही है वाई इज इक्वल टू ए को, तो वाई ए यहां है, यहां नहीं, यहां माइनस ए है, तो आपकी स्ट्रिप जो है वो स्वाइप कर रही है यहां से यहां तक का एरिया, तो साफ पता लग रहा है तो अल्टीमेटली ये भी स्ट्रिप नहीं है, तो दिस इज द एरिया। ओके, होपफुली आपको पता लग गया होगा, ये एक बार रीचेक भी कर लीजिए, कर लिया करो बढ़ाने के बाद, भाई आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप टच कर रही है लेफ्ट में वाई को, राइट में सर्कल को, तो इट इज टचिंग इन लेफ्ट इन द वाई एक्सिस और राइट में सर्कल को, और बॉटम पे आपने एक्स एक्सिस से वाई इज इक्वल टू जीरो से वाई इज इक्वल टू ए तक जाना है, तो दिस इज वाई इज इक्वल टू जीरो टू वाई इज इक्वल टू ए, अगर जीरो से माइनस ए होता फिर हम इधर आते हैं, अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। तो नाउ वी हैव डन विद द ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स एंड आइडेंटिफाइंग द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, अब हमें इंटीग्रेशन का रीजन पता लग चुका है, अब हमने कुछ नहीं करना, इसमें कौन सी स्ट्रिप लगी हुई थी दैट इज हॉरिजॉन्टल, तो अब हमने हम क्या लगानी है वर्टिकल, बात खत्म। ठीक है, अब हमें इस सेम रीजन में हमने वर्टिकल स्ट्रिप लगानी है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्टिकल स्ट्रिप, सेम एरिया में हमने वर्टिकल स्ट्रिप लगानी है और दोबारा लिमिट्स निकाल के पुटअप करनी है बस। ओके, तो आपको पता वर्टिकल स्ट्रिप किसकी लिमिट्स देती है, वाई की। ठीक है, तो y की कहां पे, एक यहां पे, सॉरी एक यहां पे और एक इस पॉइंट पे, y की लिमिट्स लेनी है हमने एक बॉटम एंड पे, एक टॉप एंड पे। बॉटम एंड किसके ऊपर है, x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे y क्या होती है, ये x एक्सिस पे है तो y क्या होता है यहां पे जीरो, और अपर एंड किस पे है, सर्कल पे है, तो सर्कल के पास जाएंगे, सर्कल की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए यहां से, y की, क्योंकि लिमिट्स आप सॉल्व आउट कर सकते हैं इसको, ये आएंगी। ठीक है, तो प्लस माइनस आएगा बट इट इज ऑन द पॉजिटिव साइड, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट पॉजिटिव, नेगेटिव आता तो आप लेफ्ट साइड होता तो नेगेटिव लेते। तो नाउ
by changing the order of integration we get, ठीक है, करेक्ट। जिसके इंटीग्रेशन करनी है वो तो सेम ही रहेगा, लिमिट्स चेंज होंगी बस। पहले हमने पढ़नी है वाई की लिमिट्स, वर्टिकल स्टेप की लिमिट। वाई की लिमिट है 0 टू बॉटम से टॉप तक पढ़ता है, 0 टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 0 टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं हमेशा नीचे से ऊपर है। और इसको स्वाइप कहां से कहां तक करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट पे एक्स कितना है, 0, और इस पॉइंट पे एक्स कितना है, ए। तो 0 टू ए, तो दैट इज द आंसर। ठीक है, तो हमने चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगी हुई थी, हमने वर्टिकल स्ट्रिप से लिमिट्स निकाल के पुट अप कर दी। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना बचता है, तो वी कैन सिंप्लीफाई इट। इंटीग्रेशन करना बचता है तो वो तो ऑब्वियसली आपको आना चाहिए, हम कर भी चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है वेरिएबल लिमिट किसके टर्म्स में है, एक्स के टर्म में, तो ये वाई की है। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई पहले करेंगे आप और देन एक्स, करें विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो x will remain as it is, y का इंटीग्रेशन कितना होगा आपको पता है, इट्स y square by 2, लिमिट बची 0 टू a, y की लिमिट्स तो 0 टू रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर थी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y आप कर चुके हो तो उसकी लिमिट पुट करनी है आपने। तो 0 टू a, x by 2 as it is, y की जगह पुट करो रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अपर लिमिट माइनस 0 का स्केयर डी एक्स। अपर लिमिट एक बार वाई की जगह पुट की रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, एक बार जीरो पुट कर दिया। जीरो जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस नेगेटिव साइन आता है। तो जीरो टू ए एक्स बाय टू, इट विल सोल्व आउट टू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स। अब इसकी प्रोडक्ट कर लीजिए, इट इज 1/2, आप बाहर भी रख सकते हैं, इट्स ए स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। इंटीग्रेशन कीजिए, ए स्केयर सेम कॉन्स्टेंट है, एक्स का एक्स स्केयर बाय टू आएगा और एक्स क्यूब का एक्स की बार 4/4 आएगा, और लिमिट्स हैं 0 टू ए। पुट करेंगे तो 1/2, अब ए यहाँ पुट कर डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ए की बार 4/2 बनेगा, क्योंकि ए पुट करोगे ए स्केयर इंटू ए स्केयर, एक बार 4 आएगा माइनस ए की बार 4/4 आएगा, लिमिट 0 पुट करोगे तो इट विल बी 0 सिंपल। ओके, नाउ क्या बचा है, 1/2 ए की पावर 4/2 माइनस ए की पावर 4/4, एलसीएम विल बी 4, इट विल सोल्व आउट टू बी 1/2 ए की पावर 4/4। तो दैट्स योर आंसर। तो ये सेम आएगा चाहे आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को लेके चलते हैं या वर्टिकल स्ट्रिप को लेके चलते हैं, आंसर विल बी वेरी सेम। दोबारा एक बार ब्रीफ कर देता हूं जल्दी से, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में अगर वर्ड आए चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन तभी इतना सारा काम करना है, नहीं तो सिंपली विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले करो फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो। अब यहाँ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन था, स्ट्रिप बदलनी थी, तो स्ट्रिप बदलने के लिए आपको एरिया चाहिए था, एरिया चाहने के लिए आपको कर्व्स चाहिए थी। तो पहले आपने लिमिट से कर्व आइडेंटिफाई की, एक निकली आपकी वाई एक्सिस, एक निकली आपका सर्कल, ठीक है। उसके बाद सर्कल को आपने प्लॉट किया, वाई एक्सिस ऑलरेडी प्लॉटेड है, तो उसके बाद आपने एरिया आइडेंटिफाई किया भी, हाँ किस एरिया को देख के उसने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाई थी, वो मैंने बताया अच्छी तरह से आपको। उसके बाद जो एरिया आइडेंटिफाई हुआ उसमें दूसरी स्ट्रिप लगानी है, उसने हॉरिजॉन्टल लगा रखी थी, दैट्स वाई मैंने वर्टिकल लगाई, वर्टिकल लगाई, उसके बॉटम और टॉप एंड पे लिमिट्स निकाल ली और डायरेक्ट उसको, ठीक है, बॉटम एंड पे और टॉप एंड पे लिमिट्स निकाल ली और उसको पुट कर दिया। तो नाम जस्ट ये देखना बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो लिमिट पुट की, अब आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू वाई पहले करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाद में करना है, तो वी हैव जस्ट सॉल्व द इंटीग्रेशन देयर आफ्टर और हमने उसका आंसर निकाल दिया। तो दैट्स हाउ, थोड़ा लेंथी है, ट्रिकी कह सकते हैं, बट इतना ऐसा नहीं कि भी आपको समझ में ना आए। तो आप इन दो लेक्चर्स को अच्छी तरह रिपीट कर सकते हैं, लास्ट टू लेक्चर्स को जो मैंने पिछली बार में आपको क्वेश्चन कराया है, दो क्वेश्चन हम चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पर कर चुके हैं, तो यू कैन चेक इट आउट बोथ ऑफ देम। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, हम एक क्वेश्चन और करेंगे, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, सो दैट यू विल हैव अ मोर क्लियर कट आइडिया।